हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया कि रेलवे जेई 2019 के एग्जाम डेट के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपका जो सीबीटी वन एग्जाम है वो 22 मई से स्टार्ट होगा और इसके लिए जो मॉक टेस्ट लिंक है वो 12 मई से एक्टिव कर दिया जाएगा रेलवे के सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब दोस्तों एग्जाम डेट आउट होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है बीटेक स्टूडेंट्स के सामने वो ये है कि काफ़ी बीटेक स्टूडेंट्स दोस्तों वो आरआरबी जेई के साथ साथ एफसीआई जेई के लिए भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और साथ ही साथ वे लोग पहले पिछले साल ही एएलपी का भी फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसका अभी सीबीटी 3 यानी साइको एग्जाम चल रहा है, जो कि अभी 10 मई को शेड्यूल्ड है और 10 मई को होना है। और एक दो जोन में जैसे कि आरआरबी भुवनेश्वर में और कोलकाता के एक सेंटर पे दोस्तों एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू फैनी साइक्लोन की वजह से। अब दोस्तों 10 मई को कैंसिल कर दिया गया है और अभी आपका जो साइको है पता नहीं कब तक होगा, अगर बहुत जल्दी भी होगा तो दोस्तों 3-4 दिन या 5 दिन यानी मान के चलिए आपका 15 मई तक होगा। और दोस्तों जो एफसीआई जेई का एग्जाम है दोस्तों ये भी आपका इस मई के एंड से स्टार्ट है हो रहा है 31 मई से। और इसी बीच दोस्तों जो काफ़ी एसएससी एग्जाम्स वगैरह भी होने वाले हैं लगभग इसी मई के एंड से जून में स्टार्ट होने वाले हैं। अब दोस्तों इस सारी चीज़ों को काफ़ी स्टूडेंट जो ये सारे फॉर्म भरे हैं तो इनके सामने जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि सारे एग्जाम के जो डेट्स है क्लैश हो रहे हैं या फिर इनमें बहुत कम टाइम बच रहा है दोस्तों, काफ़ी माइनर हो रहा है, जिसकी वजह से अब स्टूडेंट के सामने काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी लोड आ गया है कि एक ही साथ इतने सारे एग्जाम्स को कैसे हैंडल किया जाए। तो दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा जो उपाय है, एक ही उपाय है कि दोस्तों रेलवे जो है एक काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और काफ़ी एक अच्छी वेबसाइट है जो और ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी हर समस्या को सुनता है और उसका एक सोल्यूशन भी देता है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा और यही अभी कहूंगा कि आप लोग जिस जोन से भी फॉर्म भरे हो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट अस में जाकर के उन्हें ईमेल कीजिए और ट्वीट कीजिए अपना जो भी प्रॉब्लम्स है कि आपने ये सारे फॉर्म भी भर रखे हैं और इसके एग्जाम्स भी हैं और इतने कम डेट में कैसे क्या होगा, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज 8 तारीख है, अभी कितने लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं देखे होंगे, तो आप मान के चलिए बहुत कम दोस्तों बच रहा है, 13 दिन आपको मिल रहे हैं इसके जबकि इसके पहले जो भी एएलपी के या ग्रुप डी के एग्जाम्स होते थे तो उसमें मिनिमम 3 वीक्स के टाइम मिलते थे, लेकिन दोस्तों इसमें इतनी जल्दीबाजी में दिखाया जा रहा है मात्र और मात्र 12 या 13 दिन आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी रिगार्डिंग जो काफ़ी एग्जाम्स क्लैश हो रहे हैं तो मैं आपको अगेन कहूंगा कि आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट अपने आरआरबी जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उन्हें कॉन्टैक्ट अस से निकाल करके ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी के साथ और अपने प्रॉब्लम्स के साथ कि सर ये चीजें हैं और प्लीज जो एग्जामिनेशन है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए या फिर एक ऐसा एग्जाम डेट सेट किया जाए जिसमें एग्जामिनेशन डेट अदर एग्जाम से क्लैश ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसे आप लोग लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोग जिनके सामने प्रॉब्लम फेस हो रही है वे लोग इस मुद्दे को आगे रेज करें आरआरबी के सामने ताकि आरआरबी एक अच्छा सा एक सॉल्यूशन दे आपको। और दोस्तों कोई आपकी क्वेरी हो तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स या जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूं वो आपको मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों एक नए वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।